27 अक्टूबर को फरीदाबाद जिले के सेक्टर 12 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जन उत्थान रैली आयोजित होगी, जिसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता जोरों शोरों से तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में तैयारियों का जायजा लेने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पार्टी के जिला कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और तमाम विधायकों के अलावा बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बताया कि हरियाणा में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने जा रहे हैं और 27 तारीख को डॉक्टर मंगल सेन की जयंती भी है, जिसको लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं उन्होंने हिमाचल और गुजरात में भी भाजपा की ही सरकार बनने की बात के साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। 27 अक्टूबर को हरियाणा सरकार के नई टर्म के 3 साल, कुल कहें तो 8 साल का समय हो रहा है। उसी दिन ऐसा सुयोग है कि डॉक्टर मंगल सेन जी की जयंती है। हम सबके मन में था कि कोई कार्यक्रम उस दिन हम करें। हमको एक और उसमें सुयोग जुड़ा कि देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी उस दिन फरीदाबाद में हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने, कृष्ण पाल जी ने, मैंने, हम सब ने आग्रह किया कि हमारी सरकार के 8 साल के समय भी है और डॉक्टर मंगल सेन जी की जयंती भी है, संयोग से आप फरीदाबाद में हैं, तो हम एक लोकसभा की रैली उस दिन करना चाहते हैं। पहले हमारे मन में था कि हम पूरे हरियाणा की, लेकिन पंचायत चुनाव और आदमपुर चुनाव के कारण से उसको हम नवंबर में बाकी बचे हुए की रैली उसमें सोचेंगे, वो सामने आके सोचा है। लेकिन इस लोकसभा की एक शानदार रैली वो फरीदाबाद में 27 अक्टूबर को हो रही है। उसी के निमित्त हमारे माननीय प्रभारी विप्लव देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा और मैं स्वयं, इससे पहले मुख्यमंत्री जी भी आकर गए और सारी तैयारियों में शामिल होकर गए। आज हम भी यहाँ जो कृष्ण पाल जी के नेतृत्व में तैयारियाँ चल रही हैं उसमें जो है सहभागी होने के लिए जो जो सुझाव हो सकते हैं हरियाणा प्रदेश की तरफ से, वो सारे सुझावों को साझा करने के लिए आज यहाँ आए हैं। तो अभी जो हमने एक समीक्षा बैठक की है तो मुझे इस बात का आनंद है कि तैयारी जोरदार है और कांग्रेस का इस तरह से कमज़ोर होती जा रही है, कांग्रेस लोग छोड़ते जा रहे हैं। एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया था कि कांग्रेस का जहाँ टेक ऑफ नहीं हो रहा इसलिए छोड़ रहे हैं, कोई गाड़ी खड़ी है और चल ही नहीं रही तो लोग जो चल रही है उसमें चढ़ेंगे लोग। तो उस नाते से जो बदलाव जो हो रहा है, कांग्रेस के बहुत सारे लोग बीजेपी में आए हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पूरे देश भर में कांग्रेस का ग्राफ नीचे जा रहा है। अभी 2 चुनाव आ रहे हैं सामने और जो मुझे लगता है हिमाचल गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी आएगी आराम से, तो कांग्रेस की जो स्थिति पूरे देश भर में है उसके कारण से कांग्रेस के लोगों में भी ये है कि वो रास्ता जहां ले जाना चाहते थे वहां जाता नहीं। इस मौके पर मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर तंज कसा और कांग्रेस में परिवारवाद होने की बात कही। आपने कहा कि कांग्रेस ने परिवारवाद से मुक्ति पा ली, मैं कांग्रेस को परिवारवाद से मुक्त उस दिन मानूंगा जिस दिन खड़गे को खड़गे के तौर पर अध्यक्ष के तौर पर काम करने देंगे, गांधी परिवार के खड़ाऊ के तौर पे उससे काम नहीं लेंगे, उस दिन मुक्त मानूंगा। गौर हो कि जहां बीजेपी 27 अक्टूबर को फरीदाबाद जिले में होने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जन उत्थान रैली के आयोजन की तैयारियों में लगी हुई है, वहीं पार्टी के नेता भाजपा सरकार के विकास कार्यों की बदौलत आदमपुर सहित हिमाचल और गुजरात में पार्टी की जीत का दावा कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।